सुनदा नहीं दाता दाता परम रख दे लज्जा पार दीने इत्थे पीर फकीर अमीर सारे मनता मन देने दीवे बाल देने पीर और भी दुनिया ते हैं नुसरत पर दाता ते पीर कमाल देने बड़ी निजामी ए अल्लाह दी शान देखो कईयां भुखियां नूं दाता पाल देने दुख रज रज दाता नूं सुनाइए नाज़रीन मैं हूं रज़ा हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत की सियासत। नाज़रीन आज मेरे साथ एक ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने एक ऐसी इनोवेशन सामने वो लेकर आए जिसके अंदर एक जानिब कल्चर दूसरी जानिब टेक्नोलॉजी इन दोनों का हसीन इम्तिज़ाज उन्होंने बनाया और उसको देखकर उसके बारे में जानकर लोग पहले तो चौंके हैरान हुए कि ये भी हो सकता है और उसके बाद फिर जब उसको जरा सोचा जरा परखा तो फिर एक तहसीन एक तारीफ और एक जिसे कहते हैं कि खुशगवार हैरत के जज्बात सबके यहाँ पाए जाते हैं। ये नौजवान वलीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। करते ही ये क्या है कि हमने आपने अपनी सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा होगा फाइबर के ऊपर ये बहुत सारे ऐसे लोग जो दाता साहब दरबार पर नहीं आ सकते वो उनके लिए दुआ करते हैं और उनके मुख्तलिफ पैकेजेस मौजूद हैं और उसके मुताबिक वो उनसे चार्ज करते हैं और ये उनका सिलसिला रोजगार भी है। ये मुझे बताइएगा कि मैं आपको फ्रेंकली अपना मैं बताऊं तो मैंने जब ये पहली बार देखा तो मुझे पहले लगा ये मजाक है, फिर मुझे जब कहा गया कि नहीं यार ये मजाक नहीं है ये जरा गौर से देखें तो फिर जब मैंने गौर से देखा तो मैं कह यार वाह ये भी हो सकता है। तो ये मुझे बताएं ये अछूता आइडिया पहले तो आइडिया है क्या और फिर दूसरा कि ये आपके जहन में कैसे आया? जी आइडिया एक्चुअली ये था कि ये एड मैंने अपने पर्सनली एक लगाया था कि फाइवर ने एक कैटेगरी अनाउंस की थी कि लाइफ कोचिंग में जाके यानी कि अगर आपके पास कोई आईटी की प्रॉपर नहीं है आप अगर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो स्किल बेस्ड है तो आप बातें करके भी लोगों को मशवरा दे के लोगों को लेक्चर्स दे के भी पैसे कमा सकते हैं। तो इस सूरत में मैंने जो है कि ये एक इस कैटेगरी में जाके ना एक ट्रायल के तौर पे के देख लेते हैं कि क्या बनता है। मैंने सोचा मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हुए दाता साहब मेरा तो आना जाना रहता है क्या मैं ऐसी सर्विस लगा सकता हूँ कि यहाँ से अगर एक एड मैं बनाऊँ कि अगर बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो रहते हैं जो हमारे भाई हैं ओवरसीज वो वहां से अगर जिनकी नस्बत है जो दरबार आना चाहते हैं यहाँ आके कोई खाना तकसीम करवाना चाहते हैं या कोई चरागर करवाना चाहते हैं मन्नत के तौर पे तो वो आ तो नहीं सकते तो क्या वो ऑर्डर प्लेस कर लें मुझे और इस तरह से पेमेंट भेज दें और मैं उनके भी आपके उनके लिए दुआ कर दूं और यहाँ पे जो भी खाना वगैरह तकसीम करवाना वो चाहते हैं जिस किसी भी दरबार में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो टेस्ट के तौर पर मैंने ये ऐड लगाया लास्ट ईयर मैंने मई में ही ऐड लगाया था और ऐड लगाने के एक मंथ के बाद ना मुझे यूके से एक फीमेल ने पहला ऑर्डर प्लेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से एक आइडिया आया और ये पहला ऑर्डर मेरा इस तरह से कंप्लीट हुआ। एक होता है एक नुक्ता होता है जहां से आप ये सोच लेते हैं कि यार ये हो सकता है क्या ये कोई सीरियस अटेम्प्ट थी आपकी शुरू के अंदर या फिर कोई एक जस्ट एक आया आपने कहा यार लगा के देखते हैं? नहीं क्योंकि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मैं ये चीजें एक्सप्लोर करता रहता हूँ कि नई नई चीज क्या आ रही है तो मुझे आइडिया नहीं था ना ही कोई ऐसा शौक था कि कोई वायरल होगी फेमस होगी। ये एक मेरा एक पर्सनल ऐड था मेरे अकाउंट में ये जस्ट जो फाइवर के यूजर्स हैं वो देख सकते थे तो बस किसी ने देखा और वो शरारत के तौर पे किसी ने इसको सेंड शेयर करना शुरू कर दिया ग्रुप्स में तो बात फिर वो मीम्स में पहुंच गई अलग अलग लेकिन मेरा ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि ये मैं पब्लिकली अनाउंस करूँ या ऐसा और लोगों को एक नई चीज लगी थी तो मुझे पता नहीं था कि अलग इस तरह को ये इसको इतना करेंगे इसको। तो इससे इससे पहले भी दाता साहब आपका जाना रहता था आते जाते रहते थे आप या आपने कहा कि जस्ट एक आपकी ट्राई थी आपने देखा वहां पे लोगों
जी जी मैं बिल्कुल, मेरा आना जाना अभी भी है और पहले भी था, मैं वहां पे अक्सर जाता हूँ वहां पे, और दीगर दरबारों पे भी मैं जाता रहता हूँ, ठीक है, अकीदत के तौर पे। लेकिन जस्ट मैंने बताया कि ना मुझे पता भी नहीं था, ये यूँ समझ ले कि अल्लाह के जो काम है उसने नवाजना था, इज्जत देनी थी और पहचान बनानी थी, तो जस्ट वही वसीला बना, जी तो मैंने तो जस्ट एक अपने तौर पे कि एक ऐड बनाया था, तो बस वो चल पड़ा। तो अभी तक क्या सिचुएशन है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं या क्या कहते हैं? अच्छा, किसी ने कोई कभी ये क्वेश्चन किया कि यार आप तो मतलब ये कैसे, तो इसकी इसके सबूत दे दें या क्या होगा, या सिक्योरिटी क्या होगी, इस किस्म के आपके पास क्वेश्चन आए? क्योंकि देखिए रिस्पांस तो मुझे बहुत अच्छा आया, मैं तकरीबन 27 से ज्यादा ऑर्डर कर चुका हूँ इसमें, और अल्हम्दुलिल्लाह सबूत के अच्छा तौर पे लोग नहीं मानते, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है फाइवर, ये इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म है, तो इस पे आके जो है, जैसे हम अमेजोन पे कोई चीज परचेज करते हैं तो हम सेलर बायर को ये तो नहीं कहते कि आप कोई सबूत दें आपकी शॉप है कि नहीं, सेम इसी तरह ही है, यहाँ पे एक एड लगा हुआ है प्रॉपर, तो यहाँ पे आके लोग पूछते हैं, इनबॉक्स में आके क्यूरी लेते हैं कि आप कैसे काम करते हैं, क्या तरीका कार है, मालूमा जरूर लेते हैं, लेकिन इसका प्रूफ नहीं मांगते, तो प्रूफ हमें ऑर्डर में देना होता है, ऑर्डर को डिलीवर करते हैं तो हमें, क्योंकि क्लाइंट किसी और का काम तो नहीं हम दिखा सकते, जो क्लाइंट का काम करना होता है हम उसी का काम करके उनको दे देते हैं। तो अभी आपने वो जो मैंने आपका पैकेजेस देखे, उसमें वो गोल्ड भी था और फिर अभी डायमंड पैकेज भी था, अभी तक ज्यादा किसके आ रहे हैं आपके पास ऑर्डर्स, किस पैकेज के लिए आते हैं? जी ज्यादा जो है वो सिल्वर के आ रहे हैं, जो $25 का है, उसमें दुआ के लिए लोग ज्यादा कहते हैं कि हमारे लिए आप जाके दुआ कर दें, तो वैसे तो दुआ तो फी सबीलिल्लाह है, ठीक है, लेकिन जो लोग मोहब्बत से कहते हैं नहीं स्पेशली आपने हमारे लिए ही जाना है, तो फिर वो अलग टाइम उनका लिए निकाल के फिर वो उसका जो है वो मुआवजा दे देते हैं कि आप ही हमारे लिए स्पेशल जाए, तो फिर वो वहां जाके उनके लिए दुआ कर देता हूँ। इसके अलावा जो है अब डायमंड के भी मुझे पैकेजेस आना शुरू हो गए हैं, तो उसपे भी यानी कि जी लोग चाहते हैं कि वहां पे गरीबों में खाना भी तकसीम करूं, तो वो ये सारा काम मैं अपने हाथ से ही करता हूँ वहां पे। बिल्कुल जी ठीक है। तो वलीद, आप तो डॉलर के अंदर आपकी अर्निंग है माशाल्लाह, वो पाकिस्तानी जो गरीब बेचारे हैं, पाकिस्तानी अवाम, वैसे आप तो गरीब और अमीर के अंदर इतना फर्क रह नहीं गया, उनको डॉलरों की ज्यादा समझ नहीं आती, तो जरा ये बताएं कि पाकिस्तानी रुपयों के अंदर महीने में, 2 महीने में आप कितना कमा लेते हैं सिर्फ दाता साहब के दुआएं करके? वैसे तो ये मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ और इसमें मैं पर्सनली तौर पे ज्यादा अर्न नहीं कर रहा, ठीक है, लोग खुशी से जो अगर बोनस टिप दे देते हैं तो वो मैं एज अ हदिया रख लेता हूँ, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि अगर कोई फुल टाइम इसमें लगाता है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना आराम से जो है 1-1.5 लाख रुपया या कम से कम भी जो है 40,000 भी इसमें बना सकते हैं पाकिस्तानी। वसीम, ये वरीद ये बताइएगा मुझे कि जो आप बाहर गए दरबारों के ऊपर, वो आपको ऑर्डर्स होते हैं कि आप फलां दरबार चले जाएं तो वहां पर आप इसके लिए दुआ आपने करनी है, या आपने खुद उनको भी कोई आइडिया आप पिच कर सकते हैं कि आप वहां पर भी आप जा रहे हैं या कोई गिग हो सकती है? जी इसमें होता ही है कि क्लाइंट बता देते हैं कि उनकी यानी कि जैसे कोई पीर और मुर्शिद होते हैं या जो समझते हैं कि हमारा वहाँ पे अकीदत है, उस हिसाब से वो बता देते हैं कि आप उस दरबार पे चले जाएं, तो इसमें ऑप्शन जी है या पाकिस्तान के या पंजाब के किसी भी जो है दरबार या मस्जिद सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्लाइंट के ऊपर ये फुल डिपेंडेंट होता है कि वो कर सकते हैं अपने ऊपर, जहाँ पे वो कहेंगे कर वहाँ सकते हैं, चला जाता हूँ। ठीक है। तो ऑर्डर्स आपको ज्यादा कहाँ से मिल रहे हैं, किन ममालिक से, अगर हम लिस्ट डाउन करें 1, 2, 3? 1, 2, 3 के हिसाब से अगर नंबर 1 पे USA से मुझे आ रहे हैं, नंबर 2 UK है और नंबर 3 मिडल ईस्ट जिसमें दुबई और सऊदीया वगैरह शामिल है। नहीं, सऊदी से आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं कि दाता साहब पे दुआ करें जाकर? अच्छा, हाँ जी बिल्कुल जाहिर सी बात है, वहां पे भी हमारे पास तो पाकिस्तानी जो लोग हैं वो करवाते हैं, वहां से भी खाना भी तकसीम करवाया है नहीं एक भाई बिल्कुल ने। करवाते हैं, नहीं मेरा, मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ कि वहां पर मतलब मेरी बतौर मुसलमान ये ख्वाहिश है कि मुझे अल्लाह ताला अपना घर दिखाए एक दिन, मुझे रोजे रसूल की जालियों के पास जाना नसीब हो, उनको छूना नसीब हो, तो वहां पर जो मुसलमान है वो मैं समझता हूँ कि मुझसे कई कई गुना ज्यादा किस्मत वाले हैं जो वहां पर मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त उमरा कर लेते हैं, किसी भी वक्त जो है वो मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाफ को वहां जाते हैं, वहां की ज्यारत भी करते हैं, वहां पर मौजूद भी होते हैं, खाना काबा के तवाफ करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि दादा साहब पे हमें दुआ कर रहे हैं, ऐसे ही है? जी बिल्कुल, इसमें सिनेरियो ऐसा है कि देखें
लाइफ इतनी बिजी है इस टाइम, लोग ऐसे भी हैं जो मदीना शरीफ में रहते हुए भी वहाँ रोजे रसूल पे नहीं जा पाते, मतलब बुलावा नहीं होता, और ऐसे भी बदनसीब हैं जो मक्का मुकरमा में रह रहे हैं और कभी उमरा नहीं कर पाते, वहाँ अंदर हरम शरीफ में नहीं जा पाते, लाइफ ऐसी बिजी है। तो ये ऐसा कोई वहाँ के दो चार समझ के ऐसा तबका है जो के समझता है कि वहाँ पे अगर, क्योंकि ऑनलाइन सर्विस है ना तो रिस्पॉन्स आ जाता है, ऐसा नहीं है कि किसी को कहा था दोस्त को कि यार मेरे से की दे आना, पता नहीं वो जाता है नहीं जाता, तो ये एक ऑनलाइन चीज है और एतमाद वाली चीज है, ट्रस्ट है, काम हो जाता है, तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो वहां से करवा लें तो जाहिर सी बात है, तो कहीं से भी सुन रहा है, दुआ तो कहीं से भी हो सकती है। बिल्कुल, आपने कभी उनको ये कहा कि जनाब मैं दाता साहब पे आपके लिए दुआ करवा देता हूँ, आप मक्का मदीना से मेरे लिए कर लें? मैंने एक दो से जिक्र किया कि देखिए आप तो बिल्कुल दामन में बैठे हुए हैं तो आपको क्या है, लेकिन वो क्योंकि उन्होंने वहाँ खाना तकसीम करवाना था और करेंसी का आपको पता है थोड़ा सा वो डिफरेंस है, यहाँ पे कुछ चीजें सस्ती मिल जाती हैं और सस्ता खाना तकसीम हो जाता है, उस हिसाब से शायद वो इस चीज को देखते होंगे। और दूसरा एक अकीदत के मामलात भी होते हैं, वो भी कंटिन्यू करने होते हैं। तो वलीद आपकी उम्र क्या है, आपकी स्कूलिंग क्या रही, आप रहते कहाँ पर हैं, थोड़ा सा हमें अपना बताएं कि क्या करते रहे अभी तक? जी मैं, उम्र मेरी जो है तकरीबन 30 साल है और मैं स्टूडेंट लाइफ में ही था, तो मैंने स्टडी कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ मैं, और उसके बाद से फिर मैंने जॉब स्टार्ट की ग्राफिक डिजाइनिंग की और सीख सीख के फिर उसके बाद मैं इंटर्नशिप पे दुबई भी 2 साल होकर आया, वहां से फिर मैंने और कॉलेज में इजाफा हुआ, फिर पाकिस्तान आके मैंने कुछ प्रेसिस पे काम किया, फोटोग्राफी सीखी, वीडियो एडिटिंग सीखी, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करता हूँ, उसके अलावा यूट्यूब पे अब ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की हुई है, और रिसेंटली अब जब से जो है 1 साल से मैं अब ये फाइवर की टीचिंग भी कर रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से लाइफ गुजर रही है और अल्लाह पे यकीन है तो बहुत अच्छा चल रहा है। बिल्कुल है, तो ये तो आप मशहूर हो गए हैं, अपने बड़े अछूते से आइडिया है, वेल डिजर्व्ड आइडिया है और अल्लाह ताला आपको और तरक्कियां दे। बात ये है कि ये जब सारा कुछ हुआ तो उस वक्त आप पे तनकीद भी कोई हुई मजहबी हलकों से या माशरती तौर पर, या घर से प्रेशर आया हो या कहीं और से कि यार ये क्या कर रहे हो वलीद, ये तो इस तरह थोड़ी होता है, इस तरह की कोई बातें हुई? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है तनकीद तो होती है, हर इंसान जो भी यानी कि एक मुनफरिद राह पे चल पड़ता है तो उसके पीछे लोग होते हैं जो उसको तंग करते हैं, उतारने की कोशिश करते हैं, ऐसा मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मैं क्योंकि कासिम अली शाह साहब को सुनता रहता हूँ और जो है उनकी जो मोटिवेशन है वो मेरे दिमाग में रहती है, मैं एक कान से सुनता हूँ उनकी दूसरे से निकाल देता हूँ, तो ये जरूरी है आपका जो है ये बरकरार होना चाहिए कि आप जिस चल पड़े हैं, तो इस हवाले से मुझे थ्रेड कॉल्स भी आई और इनबॉक्स में लोग आके तरह तरह की बातें भी करते रहे हैं कि जी आप ये काम छोड़ दें, आपको दीन का पता है, तो अब जाहिर सी बात है कि दीन का कोई ठेकेदार तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई गलत चीज भी नहीं है, मैं क्योंकि दुआ तो फीस अभी लीला कर रहा हूँ, सिर्फ आने जाने का जो मुआवजा होता है मैं जस्ट वो लेता हूँ, तो बाकी मैं समझता हूँ दुआ कहीं से जी। नहीं तो थ्रेट कॉल्स की क्या नेचर रही है? वैसे ये आपने मेरे लिए तो अफसोसनाक सी बात है कि एक बंदा है, उसने इनोवेशन की है, अब आप उसको थ्रेट कॉल्स, मजहबी बुनियादों पर ये थी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मजहबी बुनियादों पर किसी ने कहा था कि आप रोक दें काम, ये आपको नहीं समझ इस चीज की, तो ये आप उसको फौरी खत्म कर दें, तो जस्ट मैं जो है इस सिलसिले में मैंने कॉन्टेक्ट भी किया, तो कानूनी तौर पे जो है ना मदद वो भी ली हुई है, तो इंशाल्लाह कोई ऐसा मामला होगा तो देख लिया जाएगा, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। तो अब आप मूव करते हुए क्या कोई होता है, कोई डर या कुछ चीजें, या क्या जिंदगी कुछ बदली है अब? नहीं जिंदगी देखें अब पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे बहुत ज्यादा है, यानी 95% से ज्यादा जो है ना एक जो समझदार तबका है स्टूडेंट्स का और उस्ताद भी जो मेरे हैं इनमें शामिल है, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि एक अच्छी चीज़ है आपने चले बनाई है, ऑनलाइन हो गई है तो जो है अच्छी चीज़ है, और मैं समझता हूँ कि आगे चल के ये मजीद बढ़ेगी और अभी भी बढ़ रही है। फाइवर पे अब मैं देखता हूँ मेरे साथ कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं जिसमें फीमेल्स भी हैं, मेल्स भी हैं, और दूसरे जो माइनॉरिटीज हैं हमारी वो भी अब इसमें आ गई हैं, सिख यात्रियों के भी लोगों ने इसमें ऐड लगा दी है कि कोई अगर कैनेडा से जैसे सिख तो वो भी कर सकते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है, चले अगर मैं एक जरिया बना कोई एक चीज मुतारिफ कराने का तो मैं इसका शुक्रगुजार हूँ। तो वलीद आपका क्या प्लान है आगे, आप इसको एक्सपैंड करेंगे? अगर मैं तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर कोई सिख है या आपको पता ना कि पेशावर के अंदर तख्तपाई में मर्दान में बहुत सारी
जो बुद्ध मत की मुकद्दस जगह है वो भी है हमारे यहाँ, करतारपुर है, ननकाना साहब है। तो अगर कोई और मजाहिब जिस तरह आपने मेंशन किया वो आपको अप्रोच करते हैं कि वली साहब हमारे भी जाकर दुआ कर दें, तो उसको भी आप इंक्लूड कर रहे हैं या ये एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर मुस्लिम है? जी पहले तो ये एक्सक्लूसिवली मुस्लिम के लिए था, लेकिन क्योंकि अब मैं टीम बढ़ाना चाह रहा हूँ, अब बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक वीक में दो तो तीन बार जो है मुल्तान ट्रेवल करूँ या इधर उधर जाऊँ, तो टीम मैं बढ़ा रहा हूँ अपनी, इंशाल्लाह नेटवर्क ये पूरे पाकिस्तान में ही होगा। तो उन मजहब के हवाले से मैं जो है उनका एक एक मेंबर रख लूंगा, सिख मजहब का भी एक होगा और क्रिश्चियनिटी का भी एक होगा और हिंदू का भी एक होगा, ताकि मैं वो काम, क्योंकि उस मजहब का काम वो बेहतर जानता होगा कि उसने कैसे करना है, तो उसके हवाले कर दूंगा और वो काम करके मुझे डिलीवर कर देगा और मैं जो पे कर दूंगा इस तरह से। तो बिल्कुल ठीक है। तो नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? आप एक इनोवेटर हैं और नौजवानों के पैगाम से पहले मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से आपसे कोई रब्ता हुआ कोई इसको कुछ पैटर्नाइज करने के लिए, पूरे आपका जो आपने दिया है, या आपको कोई हेल्प आउट करने के लिए, फंड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से, पब्लिक सेक्टर से कोई रब्ते हुए हैं आपके साथ? नहीं, अभी तक जो है ना रब्ता कोई इस तरह का नहीं किया किसी ने। तो मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत इस बात पे तवज्जा दे कि अगर थोड़ी सी मेहनत कर ले फ्रीलांसर्स के ऊपर या नौजवान लोगों पे जो स्टूडेंट्स हैं बेरोजगार हैं उनको जस्ट ये फ्रीलांसिंग की एक स्किल सिखा दें, तो वो घर से बैठ के अच्छा अर्न कर सकते हैं। और हमारी फ्रीलांसिंग की जो है नंबर चार पर आती है अब ये पूरी दुनिया से जो अर्निंग हम कर रहे हैं, तो उस हवाले से अगर मजीद थोड़ी सी मेहनत करें, पॉलिश करें बच्चों को, तो मैं समझता हूँ कि सारे फ्रीलांसर जो है हम पाकिस्तान के मिलके जो है ना पाकिस्तान का कर्जा भी उतार सकते हैं कि इतनी इसमें अर्निंग हो सकती है। तो बाकी इस हवाले से जो है स्टूडेंट्स को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा, जो भी देख रहे हैं फीमेल्स हैं मेल्स हैं बच्चे बच्चियां किसी भी उम्र के हैं, तो ये काम अच्छा है, इसमें सिर्फ दुआ ही नहीं है, इसमें आप और भी काम कर सकते हैं। कोई भी आपके अंदर कोई टैलेंट है बात करने का, किसी को मशवरा देने का, फीमेल्स हैं अगर सिलाई अच्छी कर सकती हैं, कुकिंग कर सकती हैं, या अगर ब्यूटी टिप्स अच्छी दे सकती हैं, या डॉक्टर हैं लॉयर हैं किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो वो यहाँ पे जस्ट मशवरा देके भी पैसे कमा सकते हैं और पार्ट टाइम भी कमा सकते हैं, फुल टाइम भी कमा सकते हैं। कोई जी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है इसके अंदर, आप घर से बैठ के इसको सीख सकते हैं आराम से और घर से बैठ के कमाना शुरू कर सकते हैं। ना इसमें तालीम की कैद है, ना इंग्लिश बोलने की ज्यादा इसमें जरूरत है और ना ही कोई उम्र की इसमें कैद है। तो आप जिस जगह पर भी है ना वहां से जो है बस अजम करें कि अब मैंने कुछ करना है अपने लिए, किसी पे बोझ नहीं बनना, तो वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है वलीद। अब आखिरी मेरा आपसे सवाल होगा कि अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको देते हैं? आपका तो आइडिया है, अल्लाह ताला की मेहरबानी भी है, उसके अलावा आपकी फैमिली कुछ पर्सनालिटीज? जी बिल्कुल, अल्लाह का करम है जाहिर सी बात है, उसके बाद जो है माँ की दुआएं हैं और जो सबने सपोर्ट किया मुझे इस हवाले से। क्रेडिट जो है मैं इसका किसको दूं इंसानों में से, तो जो है मेरे एक टीचर है, मेरा स्टूडेंट ही मेरा टीचर है एक्चुअली, उसी ने मुझे ये सिखाया था फाइवर कैसे चलाना है। अच्छा। तो मैं उसका ही नाम हाफिज को, तो मेरे स्टूडेंट ही मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया। उनका क्या नाम आपने क्या बताया? हाफिज तैयब। हाफिज तैयब, ठीक है जी। हाफिज तैयब साहब जो है वो भी सुन रहे होंगे वलीद आदमी साहब को। वलीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए, आज आपके साथ बड़ी कैंडिड हमारी गुफ्तगू हुई। मजीद हम आपको देखते भी रहेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए कहीं जो है आपको दोबारा भी मधु करें, जैसे जैसे आप इसको एक्सपैंड करते रहे। और हम दुआ को हैं कि नौजवान ऐसे ही इनोवेटिव आइडियाज लेकर आए और फिर उनके आइडियाज जो है वो दुनिया इसको रिकग्नाइज करे। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद। नाजरीन आपने ये सुना, उन्होंने बहुत क्लियर पाकिस्तानी यूथ के लिए भी मैसेज दिया है कि जनाब अब ऐसे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं फाइबर की शक्ल में, बाकी दीगर फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स, जहां पर ना तो तालीम की कैद है ना उम्र की कैद है, वहां सीख सकते हैं और अपना अपना हुनर अपनी अपनी क्वालिटी को आप मार्केट कर सकते हैं वहां पर और पैसे कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया देखने का। एक हम दोबारा आएंगे तो किसी और मेहमान के साथ और नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।